हेलो एवरीवन, 15 अगस्त 2020 एक इंडिपेंडेंस दिन के तौर पे तो याद किया ही जाएगा, लेकिन भारतीय खेल में स्पेशली क्रिकेट के लिए ये दिन इसीलिए यादगार बना क्योंकि आज के दिन हमारे बेहद ही लोकप्रिय कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट अनाउंस किया। महेंद्र सिंह धोनी एज अ कैप्टन एंड एज अ प्लेयर लोगों में बहुत लोकप्रिय रहे। उनकी एक कूल इमेज, उनकी एक साफ छवि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी इंडियन क्रिकेट के लिए। उन्होंने चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, भारतीय क्रिकेट को बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाया। आज जब वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, हम लोग उनकी ऐसी 5 विशेषताएं जानेंगे जो कि हमेशा हमें इंस्पायर करती रहेगी और हमें ये सिखाती रहेगी कि एक स्पोर्ट्समैन को, एक लीडर को, एक सफल इंसान को कैसा होना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। तो पहली क्वालिटी जो MSD में मुझे दिखती है, दैट इज ही इज ऑलवेज बीइंग अ टीम प्लेयर। हमेशा से उन्होंने टीम के लिए गेम खेला, चाहे उनकी कोई भी नीड हो टीम को, चाहे वो उन्हें आगे नंबर्स पे आना हो, चाहे वो पहले 6 नंबर पे खेलने लगे, आगे के नंबर्स पे आने लगे, सेकंड थर्ड डाउन आने लगे, तो इस प्रकार से ये सारे टीम के लिए उन्होंने किए। इस प्रकार से अपने टीम को जिताने के लिए बीइंग अ टीम लीडर, बीइंग अ टीम मेंबर उन्होंने हमेशा कहा। नंबर 2 पे है, दैट इज बीइंग अ लीडर। उन्होंने हमेशा से फ्रंट पे जाके हमेशा सबसे पहले एग्जांपल सेट किए, चाहे वो अच्छी बैटिंग हो, चाहे विकेट पे बने रहना हो, वो हमेशा से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसे हम कहते हैं, वो हमेशा से महेंद्र सिंह धोनी ने, MSD ने हमेशा हमें बताया। तीसरे नंबर पे जो है, दैट इज ऑलवेज बीइंग स्टेइंग कूल। और ये जो उनकी जो छवि है और ये जो उनकी क्वालिटी है, ये तो कमाल की क्वालिटी है। मतलब आप माने कि इतना पेशेंस और इतना कूल एंड काम माइंड बहुत कम स्पोर्ट्समैन में देखने को मिलता है। ज़्यादातर स्पोर्ट्समैन में आपको एग्रेशन बहुत दिखेगा, लेकिन ये इतने कामली चीज़ों को हैंडल करते थे। एक एग्जांपल है MSD स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी। अगला जो है, दैट इज़ क्योंकि वो बहुत कूल रहते थे, इस कारण से वो सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल करते थे, स्पेशली हैंडलिंग द फेलियर। तो MSD की ये क्वालिटी भी बहुत गजब थी और ये हमें फेलियर को एक्सेप्ट करना और हैंडल करना, ये हमें, हम सभी लोगों को, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, बहुत इम्पोर्टेंट। अगला, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इज हैंडलिंग द सक्सेस ऑल। जीवन में जब हमें सक्सेस मिल जाती है, उसको भी डील करना, उसको भी संभाल लेना, क्योंकि कई लोग जो है थोड़ी सी सक्सेस मिलने के बाद में वो अपने ट्रैक से हट जाते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप को ज़्यादा ऐसे लाइमलाइट में नहीं लाया और हमेशा बहुत ही डाउन टू द अर्थ रहे और अपनी सक्सेस को उन्होंने बहुत ही पर्सनलाइज तरीके से उन्होंने उसको एंजॉय करा। कभी भी उसको उसमें उन्होंने कोई ईगो या उसमें कोई अहंकार अंदर आने नहीं दिया और इस कारण से उनकी रेस्पेक्ट और बढ़ जाती है और लोग जो उनके साथ के प्लेयर हैं वो भी इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि जैसा सक्सेस MSD को मिली क्रिकेट के अंदर, वो हर फॉर्मेट हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे T20 हो, उन्होंने सारे फॉर्मेट के अंदर इंडिया को जो जीतें दिलाई हैं उसमें अगर कोई और व्यक्ति होता तो डेफिनेटली वो ज़्यादा इगोइस्टिक हो सकता था, लेकिन MSD ने अपने आप को हमेशा अपनी सक्सेस को कभी अपने दिमाग पे हावी होने नहीं दिया और ये उनकी एक बहुत खासियत है और इस कारण से लोग हमेशा उन्हें याद करेंगे एक यादगार खिलाड़ी के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इनकी क्वालिटीज़ आपको पसंद आई होगी। हम सब भी अपने लाइफ में MSD की जो क्वालिटीज़ हैं वो उतारें तो अपने लाइफ में हम भी बेहद सफलता पा सकते हैं। ऐसी कामना के साथ प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर